एक दफा का जिक्र है कि बाबर आजम ने एक दफा कहा था कि नवाज तू मेरा मैच विनर है। हर किसी ने मजाक उड़ाया लेकिन वो बात आज सच्ची साबित होगी। नवाज ने करके दिखा दिया। नवाज ने क्या किया उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन जो बाबर आजम कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। हर किसी ने कहा कि बाबर आजम इतनी छोटी लीग क्यों खेलने चला गया, लेकिन बाबर आजम के इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, हम सब जानते हैं। बाबर आजम ने आज क्या किया है, बाबर आजम ने T20 क्रिकेट के अंदर दसवीं सेंचुरी मारी है, और इस दफा श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका की लीग के अंदर सेंचुरी मारी है। अगर लिस्ट की बात करें वो प्लेयर जिन्होंने 10 सेंचुरी से ज्यादा सेंचुरी से स्कोर की हुई है, 10 सेंचुरी से स्कोर की हुई T20 लीग के अंदर, तो एक ही नाम आता है, क्रिस गेल का 22 सेंचुरी के साथ, और बाबर आजम दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं। और कोई बल्लेबाज नहीं है, बाकी बल्लेबाज है विराट कोहली, एडन फिंच, डेविड वार्नर 8-8 सेंचुरी के साथ, लेकिन बाबर आजम और क्रिस गेल का नंबर आता है 10 सेंचुरी और 10 सेंचुरी से ऊपर वाले लेवल के ऊपर। क्रिस गेल ने 455 इनिंग्स के अंदर 22 सेंचुरी से स्कोर की हुई है, बाबर आजम ने 254 इनिंग्स के अंदर 10 सेंचुरी से स्कोर कर दे। इसी के साथ अगर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम की टीम कोलंबस स्ट्राइकर 189 रन को चेस कर रही थी। बाबर आजम का स्टार्ट अच्छा हुआ, इसी के साथ टीम ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि सामने वाले खिलाड़ी बहुत स्लो हो गए थे और एंड के ऊपर मैच मुकाबला बड़ा ज्यादा फंस गया हुआ था, और बाबर आजम आखिरी ओवर के अंदर पहली बॉल के ऊपर आउट होते हैं। उसके बाद 5 बॉलों के ऊपर 14 चाहिए होता है, 6 बॉलों में पहले 14 होता है। जैसे ही बाबर आजम आउट होते हैं 5 बॉलों पर 14 चाहिए होते हैं, नवाज आते हैं पहली बॉल पर डबल लेते हैं, अगली बॉल पर फिर डबल लेते हैं, और उससे अगली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं, और उससे अगली बॉल के ऊपर चौका मार के अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, लेकिन नवाज ने साबित किया कि वो सही मैच विनर है, वो कहीं से भी मैच को चेंज कर सकता है। नवाज ने दिखाया ये एक हारा हुआ मैच, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था बाबर आजम के आउट होने के बाद मैच खत्म हो गया, लेकिन नवाज ने मैच जितवा के दिया। इसीलिए बाबर आजम ने कहा था कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, और बाबर आजम ने ये चीज को नवाज के थ्रू प्रूफ भी करवाया। अब अगर बात करें तो इस सेंचुरी से खाली बाबर आजम को फायदा नहीं हो रहा, इस सेंचुरी से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि बाबर आजम बन गया लंका प्रीमियर लीग के हाईएस्ट रन गेटर। इसी के साथ साथ बाबर आजम हाईएस्ट रन गेटर के साथ साथ आप ये भी दिमाग में रखें कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो श्रीलंका के अंदर होनी है, यही नहीं एशिया कप भी श्रीलंका के अंदर होना है। तो बाबर आजम का फॉर्म के अंदर आना, श्रीलंका के अंदर रन करना, श्रीलंका के अंदर सेंचुरीज मारना, और वो भी इतने तेज स्ट्राइक रेट के साथ, इसका मतलब है कि बाबर आजम ने सही फैसला किया, और बाबर आजम बड़ा कुछ करने वाले हैं इस लीग के अंदर। बाबर आजम अपने आप को जिसको कहते हैं ना अच्छा फॉर्म में भी लेकर आएंगे, कंडीशंस में सेट भी होंगे, श्रीलंका के अंदर फैन फॉलोइंग भी बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे एट द एंड एशिया कप भी खेलेंगे और पाकिस्तान को एशिया कप भी जितवाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। बाबर आजम का टीम ने आज मुकाबला जीत लिया हुआ, हर टीम इसमें जिसको कहते हैं ना 4 मैचेस में 2-2 मैचेस जीती हुई है लंका प्रीमियर लीग के।